वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है रियाज लाइफ और मैं हूँ रिया जैन। सो फ्रेंड्स, इतने दिनों से मुझे कुछ हेल्दी खाने का मन हो रहा था जो साथ साथ में टेस्टी भी हो। और वैसे साबूदाना खिचड़ी मेरे को अच्छी लगती है, बट मैं खा के बोर हो गई थी। और साबूदाना हमारे हेल्थ को अच्छा भी नहीं होता है, इसलिए मैंने सोचा कुछ अलग और डिफरेंट ट्राई किया जाए जो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी, जिसका नाम है ज्वार की खिचड़ी। सो फ्रेंड, ज्वार की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने ज्वार कल रात को पानी में भिगो के रख दी थी और अभी हम इसको बस वॉश कर लेंगे। सो अभी हम इसको प्रेशर कुक करेंगे 4 से 5 विसल तक। सो फ्रेंड, ये अभी प्रेशर कुक हो रहा है। सो फ्रेंड, जवारी खिचड़ी बनाने के लिए हमको चाहिए है ये पीनट जो मैंने हल्के से क्रश की है मिक्सर में, फिर चिली 2 से 3, सॉल्ट, शुगर, जीरा और हरा धनिया गार्निश करने के लिए, और ऑयल। सो फ्रेंड, 4 से 5 विसल के बाद हमारी जवारी कुक हो गई है, ऐसी कंसिस्टेंसी। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है तो हम थोड़ा सा सो फ्रेंड्स अभी मैं लूंगी 1 चम्मच जीरा और मिर्ची। सो फ्रेंड्स, अभी हम डालेंगे इसमें हमारी को ज्वार। तो फ्रेंड्स, अभी हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक और स्वाद अनुसार चीनी, मतलब शक्कर। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक होने देंगे और आप थोड़ा थोड़ा मिक्स कीजिए बिकॉज ये थोड़ा चिपकता है। सो फ्रेंड्स, हमारी ज्वार की खिचड़ी रेडी हो गई है। अभी हम इसको बाउल में निकालते हैं, गार्निश करके टेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी खिचड़ी रेडी हो गई है, अब मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ। व्हाट? सो फ्रेंड्स, अभी हम टेस्ट करते हैं। बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मुझे खिचड़ी बहुत अच्छी लगी और ये फ्रेंड्स बिल्कुल साबूदाना खिचड़ी जैसी लगती है, बट मोर हेल्दी है। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं या अगर आपको ग्लूटेन फ्री डाइट ट्राई करना है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करना कि आपको कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना कि वो भी ये रेसिपी ट्राई कर सके। बाय।